आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी जी, हम सब इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि करप्शन को लेके हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा नौजवानों को प्रोत्साहित किया है, राजनीति में बाकी क्षेत्रों में उनको आगे आने का मौका दिया है। तो नौजवानों के साथ अगर कहीं गलत होता है या कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो मैं समझता हूँ पार्टी हमेशा उसके खिलाफ रही है। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन दो मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूँ, ये संभव नहीं है। अभी एक दो दिन पहले मेरी बात दिल्ली में हुई थी, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, अध्यक्ष जी हैं, बाकी सब लोग हैं, जो मांगे मैंने रखी थी उसका पूरा संज्ञान पार्टी को भी है। दिल्ली में परसों ही मैंने बात की है और मैंने कहा था, जब मैं 15 तारीख को मैंने एक सभा को संबोधित किया था जयपुर के अंदर, कि भाजपा के शासन में वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो जो करप्शन के मामले उठे थे, जो खुद अशोक गहलोत साहब ने, मैंने, तमाम कांग्रेस नेताओं ने अपने मुँह से कई बार हम लोगों ने इन बातों को रखा था और ये बात पब्लिक डोमेन में है, तो उन पर एक प्रभावी जाँच होनी चाहिए। और जहाँ तक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ पर काफ़ी पद खाली पड़े हैं और कुछ नियुक्तियाँ ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ बेहतर हो सकती हैं, इसलिए उसका मूल चूक उसमें परिवर्तन लाना, उसकी फंक्शनिंग में, उनकी नियुक्तियों में मापदंड तय हो। और जो हमारे लाखों लाख बच्चे जो बड़ी मुश्किल से शहरों में जाकर मकान और कमरे किराए पे लेते हैं, कोचिंग और ट्यूशन में पैसा खर्च करते हैं, साल दो साल मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर उनके साथ धोखा हो जाता है तो उन लोगों के पास कुछ लोग ओवरेज हो जाते हैं, कुछ के घर परिवार वालों को आर्थिक बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उन लोगों की आर्थिक मदद हम लोग करें, मैं समझता हूँ ये मैंने मुद्दा उठाया था और मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर कार्रवाई सरकार करेगी। जैसा मैंने कहा परसों, मैंने इन बातों को दिल्ली में सब इन बातों को जानते हैं और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि जो मैंने इशूज़ उठाए थे, खासकर करप्शन के इशूज़, जो व्यापक भ्रष्टाचार, यहाँ लूट मची थी भाजपा के शासन में, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो नौजवानों को इंसाफ दिलाने की बात थी, उस पर मैं समझता हूँ किसी प्रकार का समझौता करना संभव नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आज मेरे ख्याल महीने का आखिरी दिन है और मैंने 15 मई को इस बात को कहा था कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करे और ये बात सब जानते हैं, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि परसों हमने दिल्ली में बात की थी और कार्रवाई करने का जो दायित्व है वो कह चुके राज्य सरकार को करना है। अब देखिए कल क्या होता है, हो रहा है, कल नया महीना शुरू होगा। अगर मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मेरे नौजवान साथियों को जो मैंने पब्लिक डोमेन में आश्वासन दिया है, जो मैंने कमिटमेंट्स किए हैं, और मेरे कमिटमेंट्स कोई हवाई बातें नहीं हैं और ये ऐसी बातें नहीं हैं जिससे कोई कह सकता कि गलत बात है, क्योंकि मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी हमेशा करप्शन के खिलाफ रही, कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों के पक्ष में रही, तो उनको न्याय दिलाना और भाजपा सरकार में जो करप्शन हुआ उस पर जांच बैठाना, मैं समझता हूँ ये अति अनिवार्य है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।